तो अगस्त्यंस, आज के इस लेसन में हम सीखेंगे अलंकार नंबर 7 को बजाना सीखेंगे। जैसा कि हमने पहले अलंकार नंबर 6 को बजाया, उसमें हमने क्या किया था, सारे सारे गा, राइट। तो हमने जो क्लिक किया था सारे सारे, एक क्लिक पे सारे सारे ये किया था, फिर सारे, फिर गा पे गा। तो आज हम करेंगे सारे सारे, हो गया सेम। उसके बाद गा मा गा, जो वेट किया था हमने गा पे गा, अब करेंगे गा मा, ठीक है, सारे सारे गा मा, राइट, सारे सारे गा मा। यहाँ पे आप देखेंगे मैं माँ पे सेकंड फिंगर यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो हम माँ पे ये फिंगर लेके चलते हैं जो सिंपल सरगम है, लेकिन इस वाली सरगम में हम सारे सारे गामा इसलिए यूज कर रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे इस फिंगर को यूज कर दिया सारे सारे गामा जैसे हम करते हैं माँ पे, तो मैं यहाँ पे अगर इसे यूज करूँगा तो सारी फिंगर्स की जो कैलकुलेशन वो बिगड़ जाएगी। तो अभी हम सिर्फ फर्स्ट टाइम इसे यूज करेंगे सारे सारे गामा, ठीक है। उसके बाद सा को छोड़ देंगे, रेगा रेगा मापा, देखो वापस फर्स्ट फिंगर आ गई हमारी यहाँ पे, और सेकंड और थर्ड अपने आप यहाँ पे सेट हो जाएंगी। तो चलिए अलंकार नंबर 6 का आरोह हम आगे बढ़ाते हैं। हमने पहले किया सारे सारे गामा, ठीक है, अब हम सा को छोड़ देंगे और रेगा रेगा, फिर मापा, ठीक है, आगे बढ़ गए, और अब रे को छोड़ देंगे गामा गामा पाधा, अब गा को छोड़ेंगे मापा मापा धानी, अब हम मा को भी छोड़ देंगे पाधा पाधा नीसा, ठीक है। दोबारा देखते हैं, सारे सारे गामा रेगा रेगा मापा, रे छोड़ेंगे गामा गामा पाधा, गा छोड़ेंगे मापा मापा धानी, मा छोड़ेंगे पाधा पाधा नीसा, ठीक है। और इसे कंटिन्यू जब प्ले करेंगे तो कैसे बजेगा, सारे सारे गामा रेगा रेगा मापा गामा गामा पाधा मापा मापा धानी पाधा पाधा नीसा। आपने भी ऐसे बोलने की प्रैक्टिस करनी है। अब क्या हो रहा है, सारे सारे गामा, ठीक है, पहले सारे में सारे, पहली क्लिक में सारे दो नोट, सारे दूसरे में भी सारे, तीसरे में गामा गामा, क्या किया गामा, ठीक है, सारे सारे गामा। आप जब अलंकार को जैसे अभी मैंने लगातार बजाया, आप ऐसे याद करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी होगी इसे प्ले करने में और एक धुन की तरह इसे बजाने में। आप इसे एक धुन की तरह भी याद कर सकते हैं, सारे सारे गामा, जो हम बोल रहे हैं सारे सारे गामा, जितनी देर गामा उतनी देर बजेगा, जितनी देर हम बोलेंगे उतनी देर बजेगा। तो चलिए अब आप मेरे साथ अलंकार नंबर 7 की प्रैक्टिस कीजिए। सारे सारे गामा रेगा रेगा मापा गामा गामा पाधा मापा मापा धानी पाधा पाधा नीसा। दोबारा, सारे सारे गामा रेगा रेगा मापा गामा गामा पाधा मापा मापा धानी
पाधा पाधा नी सा। ठीक है, तो आपको ये नहीं कि एक बार बजाया दो बार बजाया और आपने छोड़ दी, इसे लगातार 5 बार 10 बार बजाते रहिए। जितना आप बजाएंगे उतना आप धीरे धीरे फिंगर्स की भी आदत होगी, और कोशिश कीजिए कि सही फिंगर्स, रुक रुक के देखिए क्या मेरी फिंगर सही जा रही है। आपकी जब फिंगर्स सही होने लग जाए फिर आप इसको धीरे धीरे करके स्पीड में थोड़ा थोड़ा बजाना शुरू करें। तो अगली बार हम मिलेंगे अलंकार नंबर 7 के अवरोह के साथ, तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और अपना ध्यान रखें।